तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वन फॉर ऑल हिंदी। दोस्तों आज हम बात करेंगे इलाइट हयातो के बारे में और उसको कैसे लेना है। उसके मिशन भी मैंने कंप्लीट किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके मिशन मैंने कैसे कंप्लीट किए हैं और आपको सारे मिशन कैसे कंप्लीट करना है, वो भी मैंने एक घंटे में कम्प्लीट कर लिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो इलाइट हयातो है हमारा, यहाँ पर इसका कटा हुआ है, इसके चेस्ट पर यहाँ पर ब्लेड लगी है, तलवार लगी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हयातो था, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको इलाइट हयातो बनाया गया है, इसका नेक्स्ट वर्जन समझ लीजिए आप यहाँ पे। तो इसके मिशन यहाँ पे कंप्लीट करने हैं और हमें ये मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बता दूंगा। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये हयातो है और उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हयातो आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है इलाइट हयातो जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इसके जो थोड़ा बाल वगैरह हैं ये थोड़ा बड़े हैं। तो इसकी मैं डिटेल यहाँ पर दूंगा कि ये आपको कैसे लेना है और इसके मिशन जो है वो मैंने कैसे कंप्लीट किए जल्दी और आपको कैसे कंप्लीट करना है, उनकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। यहाँ पे आपको कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाला हयातो है, नीचे वाला इलाइट हयातो है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी स्किल का नाम है आर्ट ऑफ ब्लेड्स और यहाँ पर इसकी जो स्किल है ये एक्टिव स्किल है भाई। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है कि इसकी स्किल एक्टिव स्किल है। तो एक्टिव स्किल के बारे में मैं ये बता दूंगा कि आपको ये एक्टिव स्किल होती क्या है और ये वर्क कैसे करती है। तो ये इलाइट है तो हमारा कैसे वर्क करता है पहले ये जान लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपने आगे एक छोटा सा सर्कल टाइप का हाफ सर्कल बनाता है और ये हाफ सर्कल बना देता है तो इसकी वजह से इसको डैमेज कम पड़ता है, लेकिन जब ये फायर स्टार्ट कर देता है तो इसकी जो ये पावर है ये ख़त्म हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सामने वाला बंदा मुझे मारेगा, फायर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सामने वाला बंदा जैसे मेरे ऊपर फायर करेगा तो मुझे डैमेज यहाँ पर कम होगा। तो इसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे इसके मिशन है जो मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन ऑल मोड यूज वेपन टू डील 16,000 डैमेज, मतलब 16,000 डैमेज यहाँ पर देना है प्लेयर्स को। तो यहाँ पर आप आसानी से दे सकते हो 16,000 डैमेज, वो भी आप 10 मैच में दे सकते हो आराम से 16,000 डैमेज, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्लैश स्क्वाड खेलो, 16,000 डैमेज आप आराम से दे सकते हो और जल्दी दे सकते हो। यहाँ पे आप सेकेंड नंबर पे देखिए इन ऑल मोड किल 3 प्लेयर विद कटाना। तो यहाँ पे आपको कटाना से 3 प्लेयर्स को मारना है। वो कैसे मारेंगे आप, यहाँ पे सारे बोट्स आएंगे, वो मैं तरीका आपको बता दूंगा। आपको अपने किसी दोस्त से बोल देना है कि वो अपने गिफ्ट अकाउंट से आपको रिक्वेस्ट भेजे और फिर उसके बाद वो खेले चाहे बैक चला जाए। तो वहाँ पे आपको कटाना लेना है और यहाँ पे 3 बंदे किल कर देने। वैसे आप जानते हो कोई प्रो बंदा सामने वाला होगा आपके बराबर का, तो वहाँ पे आपको उसको कटाने से मारना बहुत ही मुश्किल है। तो यार यहाँ पे ऐसे आपको किल कर देना है और जैसे आप यहाँ पे किल कर दोगे तो यहाँ पे आपके ये मिशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर उसके आगे की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन ऑल मोड किल 10 प्लेयर विथ योर हेल्थ इज ब्लो 100। तो आपकी जब हेल्थ 100 से कम हो तो आपके ये जो आपको 10 प्लेयर मारने हैं, जब आपकी हेल्थ 100 से कम होगी तो आपको 10 प्लेयर किल करने हैं, तो आपका ये मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे की बात करें ऑल मोड, यहाँ पे सारे मोड्स में अचीव करना है आपको बोया 10 टाइम। तो जैसे आप मतलब कि क्लैश स्क्वाड खेलोगे और 10 बार बोया कर लोगे तो आपके जितने ये यहाँ पे मिशन आपको दिख रहे हैं ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और कटाना वाला जो मिशन सेकंड नंबर वाला है, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको इसको कैसे कंप्लीट करना है। इसका यही एक सीधा साधारण तरीका है कि आपको इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक गिफ्ट अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवानी पड़ेगी अपने मेन अकाउंट पे और उसके साथ एक मैच खेलना पड़ेगा, वहाँ पे सारे बोट आएंगे और आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे। नहीं तो ऐसे किसी बराबर वाले बंदे को कटाने से मारना मतलब क्या है, मतलब बहुत ही मतलब कि मुश्किल काम है मेरी समझ से। तो यार यहाँ पे ये वाला सीन रहने वाला है। अगर उसके आगे की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अवेकन यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे ये जलने लगा है, जैसे मैंने इनको सारे मिशन यहाँ पे क्लेम कर लिए। अब यहाँ पे अवेकन लिखा हुआ है तो इसके ऊपर हम क्लेम करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे इसका बंडल है और यहाँ पे जो अवेकिंग फेयर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इसका बंडल मिलता है हमें इलाइट हयातो का, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके आगे अगर यहाँ पे हम इसके ऊपर ओके करेंगे, इक्विपाई कर लेंगे, इक्विप कर लेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद हमें ये अवेकिंग फेयर मिल गया है यहाँ पर। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं इसके साथ, आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके आगे यहाँ पर आपको लिख के आ गया है कंग्रेचुलेसन अवेकिंग मिशन कम्प्लीटेड। तो यहाँ पर एक्चुअलेशन आपको लिख के आ गया है। अब आपको यहाँ पे इलाइट हयातो मिल चुका है, लेकिन अगर उसके आगे की बात करें तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं
मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कैरेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कर देना है सिंपली क्लिक। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको हयातो मिल चुका है, इलाइट हयातो, और यहाँ पे लिख के आ गया चेंज वाला सेक्शन यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब हयातो मिल चुका है। और यहाँ पे इक्विप लिख के आ चुका है, तो इसका मतलब है कि आपको इसकी ड्रेस जो है वो भी तो मिल गई है। और यहाँ पे आर्ट ऑफ ब्लेड्स जो है एक्टिव स्किल है, जैसे हमारी आलोक की होती है एक्टिव स्किल। और यहाँ पर हमें क्लिक करना है, उसके आगे की मैं बात बताता हूँ, क्लिक करके आपको क्या करना है, इसको कर लेना है अपग्रेड। अब आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर अपग्रेड करना है हमें इसको, तो यहां पर हमारे पास 500 इसके फ्रैगमेंट हैं, जो कैरेक्टर फ्रैगमेंट होते हैं वहां पे 500 हैं, और यहां पे एक अवेकिंग शेड लगने वाली है फर्स्ट बार में अपग्रेड करने पर। तो आप यहां पर देख सकते हो टोटल हमारे पास 6 हैं, मैंने अपग्रेड कर लिया, तो यहाँ पर ये लेवल 2 का हो चुका है। और इसके बाद जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लेवल 2 का ये हो चुका है। और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो यहाँ पे स्किल है वो भी बढ़ चुकी है, अच्छी हो गई, नेक्स्ट लेवल की हो गई है। और उसके आगे यहाँ पर जो यहाँ पे फ्रैगमेंट है, कैरेक्टर फ्रैगमेंट यहाँ पे लाइट हयातो के, तो यहाँ पे 700 मांग रहा है इस बार। जब हमारे पास हम मैच खेलेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे 700 जब कैरेक्टर फ्रैगमेंट हो जाएंगे तो हम दूसरी अवेकिंग सेट लगा के उसको आगे अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अवेकिन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर इनकी स्टोरी वगैरह देख सकते हो। जब कोई इलाइट कैरेक्टर आता है हमारे फ्री फायर में, मतलब कैरेक्टर अपग्रेड होता है, जैसे हमारी पिछली बार में कैली अपग्रेड हुई थी, इस बार में हमारा हयातो अपग्रेड हुआ है, तो इलाइट वर्जन में अपग्रेड हुए थे दोनों कैरेक्टर, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमें कैली में भी स्टोरी देखने के लिए मिली थी और इसमें भी स्टोरी देखने के लिए मिली है। तो आप यहाँ पर आके स्टोरी यहाँ पर चेक कर सकते हो दोनों कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टोरी यहाँ पर शुरू से लेकर लास्ट तक आपको उसके बारे में पिक्चर के थ्रू यहाँ पर समझाया जाता है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, और उसके बाद कैसे ये अपग्रेड होना है, फिर कैसे अपग्रेड हुआ और क्या हुआ इसके साथ, फिर ये इलाइट में परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पर सारी डिटेल उसकी दी हुई होती है, जैसे हमारी कैली की भी स्टोरी थी जो वहाँ पर दी गई थी। कैली वाले सेक्शन पे जाएंगे आप जब इलाइट कैली वाले सेक्शन पे, तो वहाँ पर आपको उसकी स्टोरी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर हयातो बेस्ट है या इलाइट हयातो बेस्ट है, तो यार भाई मैं सीधी साफ बात आपको बता दूं, मुझे यहाँ पे हयातो ज़्यादा अच्छा लगता है और इलाइट हयातो कम अच्छा लगता है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दी है। आपने नहीं देखा तो जाओ उसको भी चेक कर लो, और आप हमें ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पर। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर पुराने हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से ज़रूर सेलेक्ट करो हमारी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।